जिंदाबाद। बॉर्डर किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो जिंदाबाद। बॉर्डर किसान यूनियन जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद। बॉर्डर किसान यूनियन जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। देखिए मेरा नाम मोहन सिंह भट्टी है, मैं प्रधान बॉर्डर किसान यूनियन, ये सभी मेरे साथी हैं और काफ़ी मुद्दे से ये हम ये सभी जो बॉर्डर के मुद्दे पे जो हम आवाज़ें अपनी जो प्रॉब्लम है उनको उठाते हैं सरकार के पक्ष समक्ष रखने के लिए। आज का जो हमारा खास मुद्दा है वो बिजली को लेकर है। आप ये देखिए कि बिजली की वोल्टेज इतनी कम है कि हमारी जो मोटरें खुद की हैं वो जल रही हैं। सबसे बड़ा उसका ये कारण है कि जो हमारे बिजली जो रिसीविंग स्टेशन है यहाँ वो आ रही है ललियाना से जो और एक बड़ी भ्रमण से आ रही है। ललियाना ग्रिड स्टेशन पे 11 जो हैं आगे रिसीविंग स्टेशन है और 50-50 के दो वहाँ जो MVA के वो ट्रांसफार्मर्स हैं ग्रिड स्टेशन पे। आगे आकर देखो जो रिसीविंग स्टेशन है वहाँ 196.3 MVA जो कंजम्पशन है इनकी रिसीविंग स्टेशन की। और वोल्टेज जब पीछे से आधी आती है फिर आगे आधी जो सब स्टेशन को मिलती है उससे वोल्टेज बहुत कम हो रही है और हमारा मोटर बाद में चलाते हैं और ट्रिप पहले हो जाती है। दूसरी बात ये हम कहेंगे कि जो ज़मींदार है वो पिस रहा है इस तरीके से कि मुश्किल से 3-3.5 महीने हम खरीफ सीजन में पैड़ी को पानी लगाते हैं, उसके बाद मुश्किल से 2-4 दिन सर्दियों में हमें जो ये धान अपना गेहूँ है इसके लिए पानी लगाते हैं। आप ये देखो 8-9 महीने से हमारी मोटरें बिल्कुल बंद पड़ी हैं लेकिन बिजली जो विभाग है वो लगातार वो लिखी जा रहा है जी इस महीने आपकी मोटरों पे इतनी यूनिट कंज्यूम हुई हैं, इस महीने इतनी कंज्यूम हुई हैं। दूसरी बात देखो कि सरकार ने ये डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला है कि 18 अप्रैल से 30 मई तक हमने वो डिस्कनेक्ट कर दिए हुए हैं सब स्टेशन सारे। कोई किसी को अगर बहुत ज़रूरत होगी तो इनकी अथॉरिटी से बात करे और ये तब हम बिजली छोड़ेंगे, अन्यथा कोई भी मिस अपनी होगी तो जिससे होगी वो उसका जिम्मेवार होगा। मल्टी नहरें बंद पड़ी हैं, इन्हें नहरों वालों को पूछो भाई 25-30 साल से नहरें बंद रही हैं, स्टाफ इनका चल रहा है वो तसैली ले रहा है, डीसिल्टिंग की इनकी हो नहीं रही। इस बार चलो DC साहब ने हमारी बड़ी मदद की, उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर में मैनर में भी अपने ऑर्डर निकाले, डिपार्टमेंट को भी बुलाया लेकिन डिपार्टमेंट जो पानी पहुंचा नहीं सकी बिल्कुल फेल हो गई है। चाहे तो इन नहरों को बिल्कुल व्यवहार कर दो, लोगों को दे दो कम से कम वो कोई फसल तो लगे, तो ये कहाँ ये नहर, अगर नहरें आए तो कम से कम बिजली भी बचेगी हमारी फसलें भी बढ़ेंगी। हमें बहुत सी मल्टी जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार, विलेज करालियाँ। पर जो परेशानी के लिए आम किसान भाई एकत्रित हुए, मेरे बड़े भाइयों ने बताया है कि जो समस्या है समस्या क्या क्या है उसे विस्तार विवरण देते हुए सभी को समझाया सभी को बताया और ये एक अनुरोध कर रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा आपके माध्यम से कि सरकार इस विषय पे विशेष ध्यान दे ताकि ये जो समस्या है इनका समाधान हो सके। और ये समस्या लगातार हर साल होते जा रही है, झूठे आश्वासन देने वाली सरकार, झूठे आश्वासन देने वाला प्रशासन लगातार झूठे आश्वासन दे रहा है और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में आधे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई होती है, जम्मू कश्मीर से इतनी बिजली पैदा होती है पूरे भारत को आधे से ज़्यादा भारत को सप्लाई देते हैं, हमें बिजली नहीं मिल रही है। बिजली का एक पैरामीटर होता है उसकी वोल्टेज बराबर आए, वो वोल्टेज बराबर ही नहीं आती। 120 सब किसान चिल्लाते हैं कि एक बार एक सीजन में जो हम पैड़ी यानी लगाते हैं धान लगाते हैं 4-4, 6-6 मोटरें जल जाती हैं, ऊपर धान का रेट नहीं है, इतनी समस्याओं में घिरा है किसान, बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही। पर खैर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लोगों ने ध्यान दिया इस बार, ऐसी सरकार ने अगर ऐसा सबक सिखाया हमें कि हमारी चीज़ों को लूट करके बाहर बेच दिया गया, हमें उल्टा लगान लगाया गया, बिल आगे 100-150 आता था, 600-700, 700-700, 1000-1000 रुपया बिल आ रहा है और बिजली हमें भरपूर नहीं मिल पा रही।
और लोग किसान की आमदनी दोगुनी करके बार बार यही नारा लगाया जाता है। ये झूठे प्रलोभन है, इनके टोटल सारे प्रयास विफल रहे हैं और लोगों ने अच्छी तरह देखे हैं। सरकार के कहने से क्या होता है, जब कुछ मीडिया जो मीडिया तंत्र है, दो चार चैनल, छह चैनल जो बिके हुए हैं, उनके कहने से क्या होता है। सर अब आज लोग पूरा समझ चुके हैं, पूरा जान चुके हैं कि ये सरकार जुमलेबाज सरकार है और इसे बदलने के लिए हमें एक प्रयास करना होगा और लोगों ने किया है और बड़ी जल्द विश्वास आएगा ये सरकार गो टू बैक चली जाएगी और 50 साल के लिए नहीं आएगी। उसकी समस्या है आज गर्मी की, क्या मुंजी लगानी है, धान लगानी है, बिजली नहीं आ रही, कैसे चलेगा काम, उसी के लिए प्रोटेस्ट किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर प्रशासन सुधर गया, गवर्नर साहबान ने ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं तो लोग अपना रूप दिखाएंगे। मेरा नाम कैप्टन बलजीत सिंह, गांव मेरा पलौटा। हम बहुत दुखी है क्योंकि पहले आपको पट्टी साहब ने क्लियर कर दिया, फिर वीर पप्पी ने बता दिया है जो जो हमारे मुद्दे थे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। जैसे वीर पप्पी बोल रहा है, पहले हमारे घर में एक मोटर होती थी, अभी 6 मोटर है हमारी, हम अभी 6 का किराया दे रहे हैं। पहले 1 मोटर से पानी पूरा होता था उसी 6 किले में, लेकिन आजकल 6 मोटर की जगह अभी 6 पंप लगे हैं, 6 का किराया जा रहा है, पानी फिर भी नहीं पूरा हो रहा। कारण क्या है, यही है कि सर को बिजली जो हमारे को पूरी नहीं मिलती। हमारी बेनती है, अगर हमारे से किराया लेना है, किराया बराबर जा रहा है, किराया ना को दे तब तो है, आप काट उसको कट भी कर सकते हैं। जब किराया बराबर जा रहा है तो आप पैसे भी ले रहे हैं तो फिर उनकी देखभाल क्यों नहीं करते, बिजली पूरी हमारे को क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी बेनती है कि हमारी जो बिजली है ग्रिड स्टेशन जो आप ग्रेड किए जाए, जो लाइनें हैं उनको ठीक किया जाए, तो हमारे को कोई बिजली ठीक मिले, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट है, प्रशासन के आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो हल की जाए।